Hi guys, good morning everyone. आज हम लोग नरेशन करेंगे. मैं इस चैप्टर में थोड़ा लंबा समझता हूँ, है ना? एक क्लास में हो सकता है नहीं हो, इसके लिए दो तीन क्लासेस हों, है ना? इसलिए मैं पहले से लिख कर रखा हूँ, ठीक है? देखेंगे नरेशन, ये उतार लो आप लोग. नरेशन का अर्थ यहां लिखो ना, वर्णन. मैं ये सब किताब की भाव से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी भाव को दिखा रहा हूँ आप सबों के बीच. आप लोग जो भी देख रहे हैं, मैं अपनी भाव दे रहा हूँ, ठीक है? उतारिए थोड़ी जल्दी. उतार लिए, एक बार दोहरा दो. ठीक, नरेशन, नरेशन का अर्थ वर्णन. नरेट वर्ड से नरेशन वर्ड बना है. नरेट का अर्थ होता है जोड़ना. अगर आप लोग खोजोगे तो इसका अर्थ देखोगे, सुनाना या बयान देना और भी बहुत है, है ना? लेकिन मेरी शब्दों में ये जोड़ना है. दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ देते हैं एक साथ, यही हमारे नरेशन है. किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को बताने के लिए अंग्रेजी में दो तरीके हैं. एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट को प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष. ये दोनों हमारे नरेशन हैं, ठीक है? अब फर्स्ट में चल रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच में. एक एग्जांपल लिया, एक सेंटेंस लिया मैं, रामा सेज आई वर्क हार्ड, है ना? अब ये चीज बताना है. रामा सेड एक वाक्य है, आई वर्क हार्ड दो वाक्य है, है या नहीं? हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड सेंटेंस में यही लिखते हैं, है ना? यह हमारा सब्जेक्ट वर्ब होता है. तो यहां भी देखो, रामा सब्जेक्ट है एंड सेड हमारा वर्ब है, है? और इसमें भी हमारा आई वर्क हार्ड है ना? तो दो सेंटेंसेस हुए. फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. वक्ता की कथन को अपने शब्दों में कहना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. ओके, इतने उतार लिए. निचला भाग ना, ठीक. कहाँ क्या लिखो,
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। देखोगे सेंटेंस, हाँ वही इन्वर्टेड है, हो गए। मेरे रखते हैं ये, यहाँ लिख दो अच्छा लगेगा थोड़ा। अंदर रखते हैं, ठीक है, मिटाऊं ये। ये तो हो गए ना, इन्वर्टेड नहीं, तो डायरेक्ट कहते हैं, सॉरी। इनडायरेक्ट स्पीच ऊपर वाले हो गए, चलो इसी में गड़बड़ाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, ये कॉमा ये लगे हैं ना नीचे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट लिखते हैं, लिख लो, हो जाए बोलोगे।
देखो आज का जो लेशन है ना, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। हो सकता है कि मैं एक दिन में ना कर पाऊँ, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लग सकते हैं। जो समझ जाएंगे ठीक है, ऐसा भी होगा कि नहीं समझे, वो तो समझेंगे ना। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इसमें भी सेम होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों में सेम होते हैं। देखो हो गए, दोनों अब से देखो, किसी में लंबा कुछ बताना होगा ना, तो मैं पहले से लिख कर रखूंगा, है ना, इसमें समय बहुत लगते हैं। मोहन सेड टू मी, आई राइट अ लेटर, यहाँ कॉमा लगाओ, इनवर्टेड कॉमा में पैक हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। अब ये हमारे डायरेक्ट फॉर्म में, और जब ये इनडायरेक्ट बनता है तो क्या करते हैं, मोहन सेठ को टोल्ड कर देते हैं, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी आई राइट अ लेटर। कौन लिख रहा है पत्र, गौर से समझो। पहले मोहन मुझसे कहा, आप मुझसे कहे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, सपोज, तो किसने कहा, आपने कहा ना, तो क्या करेंगे, आपने कहा तो यहां पर वही सेम चीज है। मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहा, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, है। जब ये फॉर्म हमारे पास्ट में होंगे तो ये भी हमारे पास्ट में होंगे, उसके भी फॉर्म दिखाऊंगा,
भी अब ये चीज हट जाएंगे और ये भी हट जाएंगे, दोनों हट गए, क्या लगेंगे? दैट, ठीक, दैट कौन लिखेंगे? ही रोच अ लेटर, खत्म। वो नहीं दिखाया हूं ना, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। चार्ट बना दूंगा मैं अभी, ठीक है? इनके अनुसार ये है नहीं है, लेकिन इनके अनुसार ये है। थोड़े ऊपर ऊपर से पार हो रहे हैं, ठीक है, होने दो, ठीक, ट्राई करोगे, देखोगे, नहीं होगा, मैं हूं, आज जितना किया उतने में करोगे, मिटा दूं ना? क्या था पहला? रामा सेज, यहां लगाओ, रामा सेज आई एम अ बॉय, ये हमारे डायरेक्ट में है, और जब ये इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे? रामा सेज दैट आई तो ही, ठीक, चलो इसी को करता हूँ मैं। ही इज अ बॉय। आज इतना ही रहने दो, कल फिर हम लोग देखेंगे, ओके? एक नहीं, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 वाक्य को आप लोग बनाएंगे, कोशिश करो, कोशिश करो, बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन कल वो 5ों आपसे बनेंगे, ओके? बाय।